तो अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, मेरे को 10 मिनट काम है, उससे कुछ सामान लेना है। कितनी? 34,000 चली हुई है। बाइक सेल करने का डिसीजन लिया है। अब कोई दिखता है ना और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ भाई और दिखाओ, हम ब्लॉगर है। हाँ, भले व्यूज नहीं आए। दिस इज हाउ यू लुक रिच व्हेन यू आर पुअर। सो व्हाट्स अप गाइस, कुछ सारी वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। तो अब आप लोग सोच रहे हो भाई साहब, भाई इतनी गर्मी हो रही है, जैकेट क्यों पहनी है? तो भाई जैकेट पहनने का रीजन है कि भाई थोड़ा मोटा ना लगू, आज थोड़ा हेल्दी लग रहा था, मैंने कहा जैकेट जुकेट पहन लेते हैं। बिकॉज बहुत दिनों से ना बहुत ज्यादा अनशंट फाड़ा जा रहा है। बाकी मैं अभी खड़ा हूँ अपने होटल के बाहर, ये वाला मेरा होटल है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बारिश भी आ रही है, तो एक बहाना मिल गया, लोगों को लगेगा कि मैं गर्लफ्रेंड हो रही है तो इसने भाई ने जैकेट पहनी है। तो अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, मेरे को 10 मिनट काम है, उससे कुछ सामान लेना है। सामान लेने के बाद फिर स्टारबक्स जाना है, स्टारबक्स के बाद शायद आज देहरादून निकल जाऊंगा। बिकॉज अवलीन आज एक बहुत बढ़िया फॉर्च्यूनर देखकर आया, तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, बाकी आप बताना कि आपका फॉर्च्यूनर के बारे में क्या ख्याल है। ये अवलीन ने देखी है, मैंने नहीं देखी। 34,000, कितनी? 34,000 चली हुई है। मैंने देहरादून जाके अभी बहुत सारी फॉर्च्यूनर देखनी है, और मैंने माइंड बना लिया है कि शायद मैं फॉर्च्यूनर ही लूंगा। अब मेरा ना दिमाग घूम रहा था रैंगलर पे, कभी फॉर्च्यूनर पे, रैंगलर पे, फॉर्च्यूनर पे, तो मुझे किसी ने समझाया कि भाई अभी ना एक गाड़ी पे ध्यान दे रहे, क्योंकि अगर दो जगह रहूंगा ना तो सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। तो इस टाइम पे मैं बताता हूँ हमने क्या करना है। बेसिकली जो हमारा फर्स्ट रूल है, हमने बाइक बेचनी है भाई, बाइक का मैंने डन कर दिया। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो मैंने बाइक सेल करने का डिसीजन लिया है वो कैसा है। बाकी मुझे लग रहा है मेरी बाइक इजीली 9 लाख रुपए की बिक जाएगी, जितने की ली थी उतने की बिक जाएगी। बाकी क्योंकि जो बाइक है वो महंगी भी हो चुकी है, और मैंने बाइक इतनी कुछ चलाई नहीं, तो इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू ब्रांड न्यू। और भाई जो अपनी Z900 है वो बिल्कुल कंचा पीस है, और ऊपर से अफीम भी है, अफीम मतलब कि मार्केट में आसानी से मिलती नहीं, और मिलती तो टाइम लगता है, और मिल भी रही है तो महंगी मिल रही है। तो भाई मैंने कहा चलो अपनी Z900 बेचो, बाद में कभी मन करेगा तो ZX10R या कोई निकाल लेंगे। कई बार मन कर जाता है लीन होके ना कि अब तो बाइक निकालनी है, तो वो सारी कुछ प्लानिंग उस टाइम की, उस टाइम देखेंगे। बाकी हम लोग निकलते हैं, हमने निकलना है, फिर देखते हैं भाई गाड़ी गुड़ी का क्या सिस्टम बनता है, बाइक बेचनी है क्या करना। बाकी डीजल भी नहीं है, डीजल भी डलवाना है, बहुत कुछ कराना है यार, समझ नहीं आ रहा भाई। बाकी प्लीज़ कमेंट में ना मुझे ज़रूर बताना जो ये जो गाड़ी बाइक बेचने का डिसीजन लिया ना कैसा है, क्योंकि मेरे को ना मेरी गर्लफ्रेंड भी कह रही थी बहुत टाइम से यार बाइक तो चलाते नहीं, लोग भी कह रहे थे भाई बाइक तो चलाते नहीं, बेच के ना गाड़ी ले लो। तो मैंने कहा ठीक है भाई अब तो ले ही लेते हैं, अब फॉर्च्यूनर ले रहा हूँ। बाकी भाई एक और चीज़ बता दूँ, फॉर्च्यूनर जो मैं लेने वाला हूँ वो मैं सेकेंड हैंड ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ। रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो फॉर्च्यूनर है ना वो मैं लूँगा, मैं थोड़ा ना ऐसा बनता हूँ भाई, मैं सोच विचार करके लेता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मेरे को बहुत पैसा है नहीं, फुकरी भी मारनी है, तो क्या करेंगे, सेकेंड हैंड गाड़ी लेंगे कि बाद में अगर जस्ट इन केस अगर गाड़ी बेचनी, अरे भाई साहब, अगर जस्ट इन केस बाद में अगर गाड़ी बेचनी पड़ेगी तो बेच देंगे भाई, और नुकसान नहीं होगा। फॉर्च्यूनर जैसी जो गाड़ियाँ होती है ना, आपको पता होगा इन पे नुकसान नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, अगर होगा भी ना, दिस इज़ हाउ यू लुक रिच व्हेन यू आर पुअर। या बाकी भी एज ऑलवेज गाड़ी में डीजल नहीं है, डीजल डलवाना है, ठीक है। एंड एज ऑलवेज दिल्ली में ट्रैफिक है, एंड दैट टू वेरी मच। बाकी दिस कार इज़ ऑल्सो गुड एयर डिफेंडर, बट इट्स टू एक्सपेंसिव, सो इसकी तरफ ना देखें तो बढ़िया, क्या पता कोई फॉर्च्यूनर दिख जाए, फॉर्च्यूनर कुछ नहीं दिख रहा। सो एक तो भाई मैंने देख लिया, लाइट जला के ब्लॉगिंग करो ना भाई, हर बंदा घूरता है कि भाई क्या कर रहा है बंदा। पहले बीच में तो ऐसा हो गया था भाई, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कैमरा निकालने का, अब हो गया कॉन्फिडेंस, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, छोड़ दिए थे ब्लॉग्स, अब कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली जब तुम चीज़ कोई रेगुलर ना करो तो दिक्कत परेशानी होती है, बट अब हम जो चीज़ है वो रेगुलर कर रहे हैं तो दिक्कत परेशानी है नहीं, तो बढ़िया सीन हो गया भाई। अब कोई दिखता है ना और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ भाई और दिखाओ, हम ब्लॉगर हैं, हाँ भले व्यूज नहीं आ रहे। बाकी भैया बस अभी होटल आया हूँ, और बेड से निकलने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, यहाँ पर हो रही है एडिटिंग, मन कर रहा है बस यहाँ पर लेटा रहूँ और चिल मारूँ। बाकी लाइट नहीं आ रही यार फेस पे, क्योंकि मैंने फ्लैश फ्लूश नहीं जलाई, तो ऐसे ही ठीक है सिस्टम भाई, बस वेट कर रहा हूँ फटाफट से जाऊँ कोई बढ़िया सी फॉर्च्यूनर देखूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ भाई, जो मैं फॉर्च्यूनर देख रहा हूँ ना, मतलब मुझे बेसिकली फॉर्च्यूनर लेनी है भाई ब्लॉग्स के लिए, टू बी ट्रू, मेरे को पर्सनली अगर मेरे से कोई पूछे ना साहिब भाई आपको शौक है, मेरे को शौक नहीं है भाई फॉर्च्यूनर का, ना मुझे बाइक का शौक है, मेरे को जो शौक था थार का मेरा पूरा हो गया। अगर मैं ब्लॉगर ना होता ना, अगर मैं ब्लॉगिंग छोड़ देता और 6-7 महीने तक, तो मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मैं थार भी बेच के ना अमेज ले लेता, जिसकी एवरेज 20-25 की है, क्योंकि मेरे को घूमने फिरने का शौक है। मेरी भाई मेरा डीजल लगता है बहुत ज़्यादा, मेरा दिन का 1-1.5 हज़ार रुपये का डीजल देहरादून में बता रहा हूँ, देहरादून में लगता है, तो मैं तो वो ले लेता। लेकिन चलो ठीक है भाई,
अब भाई जब कर रहे हैं व्लॉगिंग ये सब कुछ कर रहे हैं तो भाई बस करना पड़ता है। बाकी अपना भाई बस फॉर्च्यूनर के लिए एक्साइटेड हूँ, वेट कर रहा हूँ अच्छी सी फॉर्च्यूनर मिल जाए तो। हाँ ये बता रहा था अगर 4x2 भी मिल जाए तो ओके रिपोर्ट है, मतलब जरूरी नहीं है 4x4 ही चाहिए, क्योंकि थार में भी आज तक ऐसा हमने कोई ऑफ रोडिंग करी नहीं और 4x4 यूज़ हुआ नहीं। और ऑल्सो थार में मैं अलॉयज लगाने का सोच रहा हूँ, नया रैप कराने का सोच रहा हूँ, तो भाई फॉर्च्यूनर और थार का बढ़िया कॉम्बो बन जाएगा, तो भाई बढ़िया वीडियोज़ भी बनेंगी। बाकी भाई बहुत 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 कुछ आने वाला है। 9 बज गया, मैं जा रहा हूँ अपना काम करने, क्योंकि सुबह मैं करता हूँ ट्रेडिंग, ठीक है। मुश्किल से मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि साहब भाई आप ट्रेडिंग करते हो सारा दिन? मैं भाई मैं सारा दिन नहीं करता, मैं बहुत डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करता हूँ। दिन में मैं 2 ट्रेड्स लेता हूँ, जहाँ मेरा लॉस होता है मैं रुक जाता हूँ, लैपटॉप बंद कर देता हूँ, जहाँ मेरा प्रॉफिट होता है मैं रुक जाता हूँ 2 ट्रेडे करके। और तीसरी ट्रेड तो मैं मतलब बहुत वर्स सीनियर में होगा कि मैं ले लूँगा अगर बहुत ही अच्छा सेटअप बन गया, नहीं तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता। चाहे मैं कह रहा कोई भी अगर मुझे कहते साहिब भाई ट्रेड ले लो तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। बाकी मैं इस टाइम थोड़ा मार्केट देखता हूँ, NFT मार्केट, कि NFTs में क्या चल रहा है, NFT में किस पे प्रॉफिट हो सकता है। बाकी देखो भाई बिजनेस है, ये भी बिजनेस ही है, रिस्क तो देखो हर जगह है। कोई सोचे भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ऐसा नहीं है भाई, लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है। बीच में मैं आपको बताता हूँ, एक NFT ली थी भाई, मतलब मैंने इन्वेस्ट किया था, मेरे पास उसकी वाइट लिस्ट पड़ी थी। और ऐसा नहीं है वाइट लिस्ट आसानी से मिलती है, बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लिंक्स लगता है, बहुत कुछ लगता है। तो वो NFT थी मोमो गुरु के नाम से भाई, वो मैंने NFT ली थी अराउंड 0.21 0.8 की पड़ी थी मेरे को, 0.8 ETH की। उस टाइम पे ETH था 1,30,000 समथिंग का, तो मतलब 1,10,000 की मुझे NFT पड़ी, वो हो गई थी 0.8 ETH की। 0.8 × 4 कितना बन गया, 3.2, मतलब 3 ETH, 3 ETH का मतलब 3 ETH बन रहा था, बाकी जो इन्वेस्ट करे थे 2.2 ETH का प्रॉफिट हो रहा था अराउंड 3 लाख तक का। भाई मैंने वो बेची नहीं भाई, पर लालच कर लिया, ग्रीड कर लिया, उसमें लॉस हो गया भाई। मतलब 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, इतना मतलब इतना लालच कर लिया कि भाई वो 3 लाख रुपये आज अगर मैं देखूँ जो मैंने वो इन्वेस्ट किए थे ना, 1,10,000 जो भी करे थे, वो अभी भी शायद वो 50,000 हो गए हैं। तो भाई रिस्क देखो हर जगह होता है भाई। देखो अगर तुम्हें कोई ट्रेडिंग में बता रहा है ना भाई सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो भाई ऐसा कभी भी नहीं है भाई। ट्रेडिंग में जितनी मेहनत है ना और जितनी सिर खपाई है स्टार्टिंग में, जब समझ आ गई गेम फिर तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जितनी सिर खपाई है ना और जितना NFT समझने में और स्टार्टिंग में पढ़ने में सिर खपाई है किसी भी बिजनेस में भाई, वो सबसे मेजर पार्ट है। तभी भाई आधे व्लॉगिंग तो वहां पर भी कहीं बार कहीं ना कहीं बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब आपका काम सेट हो जाए उसके बाद आप कर ही चलो। बाकी भाई मेहनत हर जगह, कोई आपको बता रहा ना ये कर लो, और कभी मैंने बहुत लोग देखे हैं यार, लोगों को देखी दिखाई में भाई कर लेंगे ट्रेडिंग की, ये तो कमा रहा है तो हम भी कमाएंगे, ऐसे नहीं भाई। तुम्हें अगर दिल से पसंद है ट्रेडिंग तुम्हें करनी है तो करो ना। बाकी अगर कोई क्या बोलते हैं, मैं देखता हूँ किसी का गाड़ी का बिजनेस है, कोई गाड़ी सेल परचेज कर रहा है, बंदा देखता है इसका तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है, वो करने लग जाएगा। किसी को देखेगा भाई यूट्यूब कर रहा है, वो करने लग जाएगा। किसी को सिनेमेटोग्राफी करते देखेगा कि ये तो बढ़िया कमा रहा है, प्री वेडिंग कर रहा है, वो करने लग जाएगा। कोई भी एक्सपर्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। देखो जो काम दिल से करना चाहो वो करो, बाकी साथ साथ थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते रहो इधर उधर, है ना। कोई आपका जैसे दोस्त आ रहा है उसको उस पर उसको जरूरत है भाई, आप उसको बता, आप उसे सपोर्ट कर सकते हो, और उसके चक्कर में आप उसका भी बिजनेस चल रहा है और आपको भी प्रॉफिट हो जाए, जिसमें आप स्लीपिंग पार्टनर हो, आप आराम से सो रहे हो तो अभी भी पैसा आ रहा है। तो दो नहीं तो ऐसे मत करो यार कि हर एक बिजनेस में घुस जाओ, हर बिजनेस में अपना दिमाग लड़ाओ। जब तक टीम नहीं होगी ना आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये बात मान लो। जब दूसरे भी पैसा कमाएंगे आप भी पैसा कमाओगे तब मजा आता है भाई। अकेले कमाने में कोई जनवर बता रहा हूँ, अकेले कमा लोगे क्या कर लोगे भाई, जब सब कमाते हैं ना एक साथ तो एक अलग लेवल मजा आता है। बाकी भाई जिनको लगता है ट्रेडिंग क्रिप्टो NFTs बहुत ईजी है भाई, स्क्रीनशॉट तक ही अच्छा लगता है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है, बहुत सिर खपाई लगती है, और हर चीज़ में भाई मेहनत है। कोई भी फ्री में कोई भी जिंदगी में चीज़ ईजी नहीं है। अगर आज ईजी होती तो मैं ही लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहा होता भाई बाहर, अभी तक तो मैं 10 मस्टैंग के बदल। और बाकी बस आज से एक छोटा सा प्रॉमिस ये है भाई, कल से प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट पे मैं आ रहा हूँ। दिल्ली गया था, अमृतसर गया था, फुल मौज कर ली। अब भाई 6 महीने तक लिखवा के लो भाई, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप सब लोगों को, ना व्लॉग्स बंद होंगे और ना स्ट्रिक्ट डाइट वो होगी। मतलब आप भले इरिटेट हो जाओगे मेरे जिम वाले व्लॉग देख देख के, लेकिन मैं भाई आपके साथ एक छोटी छोटी चीज़ शेयर करूँगा भाई। और मैं जन्म बता रहा हूँ भाई, मैं ऐसा बनता हूँ जो मुझे लगता है ना भाई मैं वही चीज़ शेयर करता हूँ, ना मेरे को भाई दिखाना आता है, जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो करते हैं भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं। बाकी अभी वेट लूज़ करूँगा भाई, नेचुरली करूँगा, जितना आता है उतना बताऊंगा, कोई ट्रेनर ट्रूनर तो हूँ नहीं, बट जितना मैं अपने लिए फॉलो करता हूँ, जितना मेरे को नॉलेज है उतना ही करूँगा। मे बी शायद कोई ट्रेनर हायर कर लूँ, बिकॉज मेरे को जिम में ना डीमोटिवेशन सी फील होती है आजकल, मेरे को कोई बंदा चाहिए होता साथ में। बाकी गैरी भी कराता ही है, गैरी का टाइम थोड़ा अलग है यार, मैं सुबह प्रेफर करता हूँ 5 बजे। तो भाई देखो यार, बाकी अपना भाई मन तो बहुत कर रहा बातें करने का, लेकिन इस टाइम पर ना भाई सही बता रहा हूँ, लव यू है जी आप सबको। मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे को काम है, मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है, और अभी आज मेरे को दिल्ली से वापसी भी निकलना है किसी भी हालत में। अभी मैं सोऊंगा 3-4 घंटे, उसके बाद उठूंगा 12-1 बजे निकल जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि सुबह 6-7 बजे घर के बाहर मैं
गाड़ी लगा दूँ, या हद मार के 7 बजे तक घर के बाहर गाड़ी लगा दूँ, उसके बाद मैं जिम भी चले जाऊँ। तो सारा कुछ मैनेज करते हैं। बाकी अच्छा लगता है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, ऐसे सपोर्ट करो, प्यार करो। आई लव यू ऑल।